नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश मेटानी, मैं एक सर्विसमैन हूं। मैं चमोली गढ़वाल का रहने वाला हूं और अभी हम देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं। मैंने लगभग फौज में 19 साल सर्विस की और आने के बाद मैंने यहां पर अपनी जमीन खरीदी और मकान बनाया। और पहले मैं शराब का पहला घूट मैंने 22 अगस्त जो हमारा रेजिंग डे होता है, स्थापना दिवस, उसमें पिया। फिर धीरे धीरे दो दो तीन तीन पैक हो गए, बढ़ गए और मैं अब अक्टूबर 2016 में रिटायरमेंट आ गया और मैं दो दो पैक से तीन तीन पैक, तीन तीन से चार चार पैक हो गए और धीरे धीरे मैं सुबह से लेकर शाम तक दारू के नशे में रहने लगा, जिससे मेरे घर परिवार की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी और धीरे धीरे नशा बढ़ता गया। मैं घर परिवार की तरफ टाइम नहीं दे पा रहा था, जिससे घर परिवार में तंगी हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही थी और मैं काफी पीने लगा, जिससे मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था। कभी घर से चला जाता पी कर कहीं रास्ते में गिरा पड़ा रहता, फिर घर वाले कहीं से पता लगा कर फिर मुझे घर लेके आते। मेरा जीवन काफी बर्बाद हो रहा था। फिर घर वालों ने अपना विवेक लगाया और काफी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता किया। उनको उन्होंने फिर मुझे लास्ट रिहैब जो कि जिसमें मुझे एडमिट कराया। जब मैं शुरू में यहाँ पर 5-6 दिन मुझे बहुत अटपटा लगा, मुझे ये लगा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे, फिर उनकी तरफ देखा, वो उन लोगों ने भी बताया, अपने बारे में बताया, फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ पर ठीक लगने लगा, जिससे यहाँ पर क्लासे चल रही सुबह से लेके दोपहर 1 बजे तक, जिसमें हमें अपने बारे में डेली रूटीन हमें क्या करना है उसके बारे में सिखाया। और यहाँ पर क्लासें काफी अच्छी चलती हैं और मेरी दवाई भी साथ साथ चली, जिससे मुझे काफी अच्छा महसूस होने लगा और मैं काफी सकारात्मक हो गया। और जो यहाँ के मालिक हैं भाई साहब विजय डिमरी जी, काफी अच्छे इंसान है और उनके साथ जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा बिहेव करता है। और आपकी मेरी जितनी भी दिक्कतें थी, मैंने उनको अपने सही दिल से बताया कि भाई साहब मुझे ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन कराया। मुझे लगभग यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं। मैं अभी आपको जिस हालत में पहले आया था, उस हालत से मैं काफी और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपको भी यही संदेश है कि आपके अगल बगल घर परिवार में अगर कोई इंसान नशे से पीड़ित है, क्योंकि आजकल जो नशा है ये काफी तरीके का हो गया है, कुछ लोग छुप छुप के भी कर रहे हैं, जिससे जैसे मेरा घर परिवार बर्बाद हुआ वैसे आपका भी होने के चांस हैं। इसलिए आपको भी मैं यही राय दूंगा कि यदि आपके घर में कोई इंसान नशे से पीड़ित है, उसको भी आप लास्ट रिहैब जो कि यहाँ देहरादून में है उसमें दाखिला करवाएं और उसको उसके जीवन को सुधारें। यहाँ पर काफी अच्छी सुविधा दी जाती है। यहाँ पर एक गरीब घर का इंसान भी आता है जिसके पास फीस जमा करने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन हमारे भाई साहब उनको भी यहाँ पर दाखिला करवाकर उनका जीवन सुधार किया। उनका काफी अच्छे परिवार के लोग, हाई फाई परिवार के लोग भी हैं, सब आपस में यहाँ पर एक साथ रहते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, जिससे मुझे अब पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आपको यही संदेश दूंगा कि आप भी और आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार के नशे से ग्रस्त है, उसको भी लास्ट रिहैब में दाखिला करवाएं और उसका भविष्य उज्जवल बनाएं।